अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई पुलिस ने किया रास्ता सुरक्षा अभियान 2020 का उद्घाटन। अभिनेत्री जूही चावला और गायक शंकर महादेवन हुए शामिल। पुलिस आयुक्तालय और पनवेल प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने मिलकर रास्ता सुरक्षा अभियान 2020 का शुभारंभ किया। नेरुल के डीवाई पाटिल ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर गायक शंकर महादेवन और मशहूर अभिनेत्री जूही चावला ने एजुकेशनल वैन फॉर रोड सेफ्टी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर छात्र कलाकारों ने नाटक द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दिया। नवी मुंबई पुलिस ने उन दिल दहलाने वाली दुर्घटनाओं को भी प्रस्तुत किया जो बीते समय महाराष्ट्र में हो चुकी हैं। उनका मकसद नागरिकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने शराब पीकर गाड़ी न चलाने, ड्राइविंग करते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करने, ओवर स्पीड, सीट बेल्ट आदि चीजों का ध्यान रखने का संदेश दिया। गायक शंकर महादेवन और एक्ट्रेस जूही चावला ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जनता से अपील की। आई प्रॉमिस यू कि मैं जो आई हूँ और जो मैं वापस जा रही हूँ, मैं दो अलग लोग हूँ। यानी कि मेरा मन भी खुल गया, मुझे भी समझ आया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और हम इसे, जैसा उन्होंने कहा, एजुकेटेड पीपल कितना इसे लाइटली ले लेते हैं। एक क्षण का फ़र्क होता है, एक्सीडेंट हो जाए तो आपकी दुनिया बदल जाती है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मेरी माँ गुजर गई थी, मॉर्निंग वॉक के लिए गई, गाड़ी ने उन्हें ठोकर मार दी और मेरी दुनिया बदल गई। सो आई नो इट वेरी क्लोजली, बट हियर इट ऑल केम बैक एंड आई वुड जस्ट से दिस प्रोग्राम इतना अच्छा किया था इन्होंने। वो वैन जो बनाई है फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मेरे को तो लगता है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ही नहीं हो जाएगा, एजुकेशन ऑफ एडल्ट्स हो जाएगा, क्योंकि इतने रिमाइंडर्स हमें होते हैं जो हम भूल जाते हैं कि ये भी तो ट्रैफिक रूल है और ये सही है और ये बहुत सोच समझ के इन्होंने बनाया है। ये हमारे लिए बनाया है, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, किसी और के लिए नहीं। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट इट, बी अ पार्ट ऑफ इट। इन्होंने जो वीडियोस दिखाए और जो स्ट्रीट प्ले किया, फर्स्ट रेट मैं तो कहूँगी, वो जो वीडियोस दिखाए दे वर सो पावरफुल, सो मूविंग कि सिर्फ प्रोग्राम पे ही नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ टीवी पे दिखाइए या कोई भी वैन के ऊपर दिखाइए, लोगों को देखने दीजिए, आंखें खुल जाती हैं, माइंड खुल जाता है एंड वी ऑल चेंज। वहीं नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसमें नागरिकों का साथ मिलना बहुत जरूरी है। उन्होंने नवी मुंबई की जनता को सजग रहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आह्वान किया। उद्देश्य हा आहे की जे इथे आमच्याकडे करीब 10 लाख वाहने आहेत, आणखीन 1 लाख वाहने दर दिवशी आमच्या वासी नाकेतून येतात आणखीन जातात, प्लस 941 किलोमीटरच्या आमच्या पूर्ण रोड्स आहेत। आमच्या नवी मुंबईमध्ये 84,000 गाड्या दरवर्षी या रोड तिथे रजिस्टर्ड होतात। हा सगळे बघून फक्त पोलिसांचे काम नाही आहेत की सगळे नियमाचे पालन करणे, त्यामध्ये लोकांचे सहभाग पाहिजे आणि लोकांना स्वतः सिक्युरिटीच्या बाबत सजग राहण्याची गरज आहे। आणखीन पब्लिक पार्टिसिपेशन से कसं ट्रॅफिक रेग्युलेशन आणि ट्रॅफिक मॅनेजमेंट होऊ शकतो त्यासाठी आमचे भर आहे। आणि त्या भरमध्ये मागच्या वर्षी आम्ही एक कॅम्पस विथ हेल्मेट म्हणून एक उपक्रम राबविला होता, त्यांच्या भरपूर लोकांना सहभाग दिला। आम्ही हा सांगत नाही की 100% जे कॅम्पस विथ हेल्मेट आहे त्यामध्ये लोक हेल्मेटच घालून जातात, पण हां, भरपूर लोकांना हेल्मेट, जो आय टी कंपनी आहेत करीब 1 लाख एम्प्लॉई त्यामध्ये इन्वॉल्व आहेत,
त्यामध्ये जे कंपनी आहे तिथे हेल्मेट घालणे बंधन केलं आहे. जर कॅम्पसमध्ये बंधन केला तो बाहेर येतासुद्धा हेल्मेट घालतात. त्यासाठी यावेळी जे फॅटल ॲक्सिडेंट आहेत त्यामध्ये घट झाली आहे. 258 होता मागच्या 18 आणि यावेळी 232 आहेत. पण 232 चुकीचे फिगर आहेत, म्हणजे भरपूर मोठी फिगर आहेत. ते आणखी कमी कसं होता होतील त्यासाठी आम्ही प्रयासरत आहोत. बता दें कि इस अवसर पर डीसीपी राजकुमार वटकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी लक्ष्मण दराड़े, डीसीपी सुनील लोखंडे, हिमांगिनी पाटिल समेत नवी मुंबई के तमाम पुलिस अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे. ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया.